हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर हब। आज मैं आपको बताऊंगा आपने JKSSB का फॉर्म कैसे भरना है। पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपके पास आपने वेबसाइट खोलनी है, www.jkssb.nic.in। यहाँ पर ये वाला आपको लिंक मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक वार पोस्ट। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2020, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2020, तो इसको आपने क्लिक करना है यहाँ पर। यहाँ पर जब क्लिक करोगे ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना नाम भरना है। यहाँ पर आपने अपना नाम डालना है, फिर मिडिल नेम है तो तीन वाला नाम है तो फिर तीनों में भरना है। अगर दो वाला नाम है तो फिर यहाँ और यहाँ भरना है, सिर्फ दो जगह। अगर तीन वाला है तो फिर मिडिल में भी अप्लाई करना है, नहीं तो अगर दो वाला है तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर भरना है, ठीक। उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। तो उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, फिर रीटाइप करना है ईमेल आईडी को, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसको रीटाइप करना है। ओटीपी उसी टाइम आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा आपके सामने, फिर आपको ओटीपी यहाँ पर डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद आपने पासवर्ड रखना अपनी तरफ से कोई भी, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा लॉग इन का, तो वहाँ आपने लॉग इन करना है। तो ऐसे आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने लॉग इन कर लेना है। ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी, पासवर्ड यहाँ पर, और लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट जब लॉग इन कर लोगे तो उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर। तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करनी जो यहाँ पर आपने फॉर्म भरना है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, कोर्ट असिस्टेंट, कोई भी। तो सेम पोस्ट के लिए एक ही फी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है या जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 350 लगेगा। सब में एक ही बार फॉर्म भरना है आपने, सब कुछ सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर या कोई और पोस्ट हैं जिन जो सेम लेवल की हैं, तो उनके लिए सेम फी है, सिर्फ 350। से यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि एक ही बार कोई पोस्ट एक सेलेक्ट करनी है, जैसे लैब असिस्टेंट जो भी आपने फॉर्म भरना है, वो सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हमेशा क्लिक करना। ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा हर एक इंटरफेस के बाद, तो इसको ध्यान में रखना आपने। सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो सेव जो है आपके डाटा नहीं होगा। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने अकाउंट्स असिस्टेंट सेलेक्ट की है, ठीक है, भरा है, तो यूटी लेवल यहाँ पर भी आपने टिक लगाना। यहाँ पर भी एक छोटा सा टिक है, इसको भी टिक करना, यहाँ पर भी टिक करना, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल डालनी थी, ये आपको पता है, नाम डालना कुछ पहले से ही जो आपने भरा है वो यहाँ पर पहले ही आपको मिल जाएगा। जैसे नाम है तो फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना, जो चीज़ें नहीं डाली हैं वो डालनी है, ठीक है, यहाँ पर जो खाली है, ठीक। जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, ठीक है, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, अपना नाम तो ये पहले ही डाला होगा। कुछ ऑटोमेटिक चीज डिटेल फिल हो जाती है जो पहले भरी हुई होती है, मतलब। तो डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने, तो कुछ चीजें पहले डाली हुई होंगी तो वो देख लेना, ये आराम से करना आपने। यहाँ पर फिर आपको मोबाइल नंबर ये पहले ही डाला होगा, ईमेल आईडी भी, वेदर मैरिड यस नो टिक करना, डोमिसाइल है या नहीं है यस नो टिक करना, अगर है तो फिर नंबर डालना, सर्टिफिकेट नंबर इधर, और इशूइंग अथॉरिटी मतलब आपने तहसीलदार का नाम लिखना है, नाम नहीं लिखना मतलब तहसील का नाम लिखना, जैसे तहसीलदार रजौरी, अगर रजौरी वाले ने इशू की है, कोई और तहसील है जैसे तहसीलदार जम्मू है या कुछ भी है,
तहसीलदार अखनूर कुछ कुछ भी है, तो वो आपने यहाँ पर डालना है जो जिसने इशू किया है, ठीक है। किस जगह का वो तहसीलदार है, किस तहसील का, तो वो ये याद रखना। तो फिर डिवीजन सेलेक्ट करनी है और डिस्ट्रिक्ट, फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर। तो ये डिटेल आपकी जो है वो सेव हो जाएगी। तो ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी, इतना तो मैंने आपको बता दिया। फिर आपने क्या करना है कि अपना ये वाला एड्रेस डालना, आपने हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, ब्लॉक, पंचायत, ये आपको पता है पिन कोड। सेव एंड कंटिन्यू करना ही करना, ठीक है, ये याद रखना, सेव एंड कंटिन्यू हर बार करना। तो अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस करना, फिर ये ऑटोमेटिक ये वाला पेज जो है फिल हो जाएगा, नहीं तो नो करना है अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से अलग है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहां पर आप टेम्परेरी रह रहे हो, ठीक है। तो टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में फर्क होता है, अगर आपका अलग अलग है तो नो करना, अगर अलग नहीं है तो फिर यस करना है, सेम है तो फिर यस करना। फिर कैटेगरी आपने डालनी है, डाली हुई होगी, उसकी डेट ऑफ इशू वो सिलेक्ट करनी है, लिखना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ इशू लिखनी है, यहाँ पर जो है वैलिडिटी कब तक है, फिर इशू किसने किया है, कौन सा तहसीलदार है जिसने इशू किया है कैटेगरी। तो बाकी ये भरना है कि हैंडीकैप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, एक्स सर्विसमैन, तो ये चीज़ें आपने भरनी है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करना ही करना हर बार, ठीक, ये भी याद रखना। तो FIR वगैरह तो नहीं लगी है, तो नहीं लगी तो नो, अगर कहीं पर है कोई केस वगैरह तो फिर यस कर लेना। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, जैसे मैट्रिक कहाँ से की है, तो उसकी परसेंटेज यहाँ पर, फिर रिजल्ट डेट, इसी तरीके से 12th परसेंटेज और रिजल्ट डेट, ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है या नहीं। तो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए तो इसलिए ये क्वालिफिकेशन आ रही है, अगर ये जूनियर असिस्टेंट के लिए होता तो फिर क्वालिफिकेशन अलग आती है, और टाइपिंग स्पीड और जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स है या नहीं वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने PG की है तो यस करना, नहीं तो नो, PhD की है तो यस या नो, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। तो सेव एंड कंटिन्यू, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के बगैर आपकी चीज़ सेव नहीं होगी, फिर बाद में आपके सामने नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि ये क्यों नहीं आया। तो बैचलर डिग्री, फिर यूनिवर्सिटी किससे की है, तो परसेंटेज उसकी, रिजल्ट, ये सब कुछ आपने भरना। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या नहीं है, ठीक है, PhD, ये वही जो पहले वाला है वही है। हाँ, इसमें ये चीज़ें ये डालनी है, ठीक है, ये मैं चीज़ देख रहा था, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं तो इस वजह से लाइव नहीं दिखा पाया आपने मैं। तो ये सारी चीजें डिटेल डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वो आपने करने के बाद, डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यस करना आपने हमेशा, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी है। तो चाहे सब सेंटर, ये ऑटोमेटिक कश्मीर डिवीजन पर सिलेक्ट होता है, तो यहाँ से आपने जम्मू पर कर लेना अगर आपको जम्मू डिवीजन में एग्जाम सेंटर रखना है, तो ये याद रखना, ठीक है, ऑटोमेटिक ये कश्मीर पर हो जाता है। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना, यहाँ से आई एग्री के ऊपर क्लिक करना, ठीक, इस पर, फिर सेव एंड कंटिन्यू करना। यहाँ से फोटो आपने सिलेक्ट करना, मोबाइल में भी भर सकते हो ये फॉर्म, तो सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना, एक फोटो और एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ से ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ पर ब्राउज करना है और सिलेक्ट कर लेनी है फाइल कहाँ पर फोटो रखा हुआ है, यहाँ से शो भी होगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो भी शो होगा, वो भी ब्राउज करके फिर सेव एंड कंटिन्यू करना, ठीक है, ब्राउज करके अपलोड करना। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो फॉर्म, ये इतना ही था, ये फिल हो जाएगा डिटेल सारी।
जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। फोटो अपलोड करने के बाद फोटो सिग्नेचर, तो ये वाला फॉर्म आपके पास एक पेज खुलेगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट उसके दिखाता हूँ कि कैसा जो होता है, डिटेल्स आपकी कैसे आएगी। यहाँ पर नाम नाम आएगा आपका, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ शो होगी, एज शो होगी, ये ऑटोमेटिक शो हो जाती कितनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सारी डिटेल्स आपके पास मिलेंगी। यहाँ पर आपने चेक कर लेना, ठीक है। अभी इस तक पे आप जो है वो इस स्टेज तक ठीक कर सकते हो अपनी डिटेल्स, ठीक है। यहाँ से आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो यहाँ पर आपके शो हो जाएंगी। आप देख सकते हो मैंने जो भरा है फॉर्म। उसके बाद लास्ट में आपने प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपकी डिटेल सही है तो। वहां पर क्लिक करने के बाद ये वाला ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर जो है वो आपकी फी लिखी हुई आएगी कि कितनी फी है। तो ये अकाउंट असिस्टेंट का था, तो इसकी फी जो है वो 350 है। तो इसी तरीके से बाकी फॉर्म भी आप भर सकते हो, जूनियर असिस्टेंट उसके लिए भी 350 है। तो उसमें सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, और भी कोई भी पोस्ट है जो सेम लेवल की हैं, अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट में, तो उनके लिए जो फ़ी है वो सब के लिए 350 है। सेम लेवल की पोस्ट के लिए फ़ी 350 है, ये याद रखना। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बताया, ठीक है। जहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है किस तरीके से पेमेंट करनी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो डिटेल्स डाल के अब पेमेंट का पता होगा आपको कैसे करते हैं ऑनलाइन। तो इतना ही था इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। सारी जॉब अपडेट मैं इस चैनल पर शेयर करता हूँ, देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में जाके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।